मेरे हाथ में देख रहे हैं लहसुन है, जिसे गार्लिक भी कहते हैं, और ये आपकी पौधे को बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे घर में उपलब्ध रहती हैं लेकिन उसके बारे में हम नहीं जानते तो उसे यूज नहीं कर पाते हैं। जो लहसुन देख रहे हैं, इस लहसुन का बेनिफिट आप जान जाएंगे तो आप अपने पौधे पे हमेशा इसको यूज करेंगे। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों पौधा का सुरक्षा कवच के रूप में ये काम करता है ये लहसुन। आइए आपको बताते हैं कि इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले आपको काम ये करना है कि अगर जब भी कोई लहसुन ले लीजिए तो लहसुन अगर आप लेना है तो उसका आपको अर्क निकालना है, और अर्क निकालने के लिए करना क्या पड़ता है दोस्तों, जिसे देखिए इस तरीके का जो छिलका होता है, ये देखिए ये जो छिलका होता है, इस छिलके को आप यहाँ से हटा लीजिए, यह आपको ध्यान रहे। दोस्तों जो छिलका होता है, छिलका भी बहुत बेहतरीन फर्टिलाइजर काम करता है। जितने छिलका है छिलके को हटाइए, और इसको वेस्ट के रूप में आपको फेंकना नहीं है छिलके में, क्योंकि दोस्तों इसमें भी बहुत ऐसे आपको विटामिन मिनरल्स मिल जाएंगे जो आपके पौधे पर काम करते हैं। जैसे ये देख रहे हैं जो छिलका है, इस तरीके छिलका हमने बना रखा है, और छिलके को कुछ करना नहीं है, बस छिलके को डालिए एक लीटर पानी में। अगर इतना छिलका देखिए इतना छिलका है तो एक से डेढ़ लीटर पानी में डाल दीजिए, और डालने के बाद 24 घंटे के उसको छोड़ दीजिए। दोस्तों फिर 24 घंटे बाद आप देख रहे हैं, ये देखिए ये पानी देखिए, इस पानी में बहुत ही बेहतरीन ऐसे पोषक तत्व आ गए जो आपके पौधे के लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। बस करना क्या है, इस तरीके की इसको छानिए, और छानने के बाद इसमें पानी उतना ही मिलाइए। अगर एक गिलास लिक्विड ये है तो एक गिलास सादा पानी दोनों को मिलाइए, और मिला के पौधे की मिट्टी में यूज कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन ये भी दोस्तों ये काम करता है। उसके बाद आप जब छिलका हटा लिए, छिलका हटाने के बाद इसको जो करना क्या है, इसको आपको पेस्ट बनाना है। तो इसको बारीक से इस तरीके से आप इसको फोड़ लीजिए, ऐसे दोस्तों फोड़ लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ऐसे आप फोड़ लीजिए। और जब फोड़ने के बाद करना क्या है, इसको खाल में पूछ सकते हैं या मिक्सर के जार में इसको डाल के इसको अच्छी तरीके से पीस लीजिए। पीस से करना क्या है, इसका आपको पेस्ट बनाना है, ये आपको ध्यान दें। देखिए हम ऑलरेडी पहले से पेस्ट ये बना लिए हैं, और जब ये पेस्ट बन जाएगा दोस्तों ये ध्यान रहे कि इसको खल में या फिर मिक्सर के जार में डाल के इसको पीसते समय इसको पानी नहीं डालना है, आपको ध्यान रहे। इस तरीके से ऑलरेडी ये पानी इसमें मिल जाएगा जब इसको पीसेंगे तो देखिए मैंने पीस लिया। अब इसको करना क्या, इसको छान लेना है, तो इसको बारीक हम छान लेते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले, ध्यान से देखिएगा, ये एक बार इसको देखेंगे तो बार बार लहसुन को यूज करना चाहेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसमें डाल देते हैं, अब इसको करना क्या है, इसको हमको छान लेना है। दोस्तों अच्छे तरीके से इस तरीके से आप छान लीजिए, देखिए ये निकल गया। अब उसके बाद ये जो बचा हुआ भाग है, ये आपको ध्यान रहे, इसको भी कंपोस्ट विन अगर आपके पास होगा तो इसमें डाल दीजिए, वेस्ट के रूप में कभी नहीं फेंकना आपको, ये आपको ध्यान रहे। अब एक काम ये करना है कि देखिए ये आपका बन के हो गया तैयार। जैसे एक काम आपको करना है, अगर तुरंत भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर तुरंत यूज ना करके आप इसको दोस्तों 24 घंटे के लिए इसी तरीके से इसको आप रख दीजिए, और रखने के बाद 24 घंटे बाद इसे लाइए, और लाने वाले इसको यूज करिए। हम आपको बताते हैं कि पहला जो तरीका है, आप नोट करते जाइए और वीडियो को ध्यान से देखिए, और कॉपी पेन के साथ दोस्तों इसको देखिए। सबसे पहले करना क्या है, इसको यूज करने के लिए जो तरीका सबसे पहला है, 24 घंटे बाद दोस्तों यूज करना है, आपको ध्यान दें। तुरंत भी यूज कर सकते हैं लेकिन 24 घंटे बाद यूज करें तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। देखिए कैसे कैसे यूज करना है, सबसे पहले आपको लेना है एक टेबल स्पून, ये ध्यान रहे, टी स्पून नहीं टेबल स्पून, मतलब मीन्स इसको कह सकते हैं 10 ml तक आपको लेना है एक लीटर पानी में। देखिए ये हम जो स्पून ले रहे हैं ये टी स्पून है, तो दो टी स्पून हम डाल लेते हैं तो एक टेबल स्पून हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें आपको क्या मिलाना है, इसमें आपको ऑयल मिक्स करना है, कोई भी ऑयल जो कुकिंग ऑयल होता है उसको भी मिक्स कर सकते हैं, या कुकिंग ऑयल अगर आपके पास नहीं उपलब्ध है तो आप ये देख रहे हैं मेरे पास ये स्टिकर है, स्टिकर यूज करिए, बहुत अच्छे इसका रिस्पांस मिलता है। एक के मतलब यूज करना होता है एक लीटर पानी में, आपके पास भी स्टिकर हो तो उसको भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। अब देखिए इसको हम घोल लेते हैं, और घोलने के बाद दोस्तों इसको आप किसी भी पौधे पर सुबह और शाम
गर्मी के मौसम में दोस्तों सुबह और शाम, ठंडी के मौसम में कभी भी इसको यूज कर सकते हैं। इससे देखिए आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आप नोट कर लीजिए। बेनिफिट आपको मिलेगा कि जैसे वाइट फ्लाई हो गया, वाइट फ्लाई कंट्रोल हो जाएगा, एफिड कंट्रोल हो जाएगा, स्पाइडर माइट कंट्रोल हो जाएगा, और उसके साथ साथ दोस्तों जो चींटियाँ होती हैं चींटियाँ भी कंट्रोल हो जाएगी, और दीमक भी कंट्रोल हो जाएगा, और यहाँ तक रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं वह भी कंट्रोल होते हैं। और ज़्यादा मात्रा में लग गए आपके पौधे पर तो सप्ताह में दो बार यूज कर दीजिए, उसके बाद रिस्पॉन्स आपके सामने है दोस्तों। ये जो तरीका पहला हो गया, जो तरीका दूसरा आपको हम बता दें, दूसरा आप नोट कर लीजिए, दूसरा कैसे आपको यूज करना है थोड़ी दोस्तों इसको अगर स्ट्रांग और आपको बनाना है तो आप जानते हैं दोस्तों इसको अगर नीम की पत्ती अगर आपको मिल जाए दोस्तों, नीम की पत्ती को भी यूज कर सकते हैं, इसमें बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। देखिए नीम की पत्ती, इसका अर्क निकाल लीजिए। और दोस्तों अर्क कैसे निकालते हैं, एक सिंपल तरीका हम बता रहे हैं, या आई बटन के ऊपर लिंक है, इसका प्लेलिस्ट मैंने दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं इसका अर्क कैसे निकालते हैं। और मैं सिंपल तरीका बता रहे हैं, करना कुछ नहीं, इसको पत्ते को निकालना है सिक के माध्यम सिक से, और निकालने के बाद इसको खल में डालना है, खल में डाल के कूच लेना है, या मिक्सर में डालना है, मिक्सर में डाल के कूच के इस तरीके से पेस्ट बना लेना है। देखिए हमने ये पेस्ट बना लिया है, और पेस्ट बनाने के बाद इसको अच्छी तरीके से इसको हम छान लेते हैं। देखिए इसको हम छान लेते हैं। हाँ दोस्तों ये आपको ध्यान दें कि इसको पेस्ट बनाते समय थोड़ी सी इसमें आप हल्का सा पानी का इसमें मिक्स आप कर दीजिएगा। इसमें आपको पानी के मिक्स करना जरूरी इसलिए है कि अगर पानी नहीं मिक्स करेंगे तो पेस्ट ये नहीं बन पाएगा। देखिए इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से छान लेते हैं। देखिए ये जो टम्फरौरी में आपका ये पत्ती नीम की पत्ती का अर्क बन के तैयार हो गया, नहीं तो अगर बेस्ट आपको चाहिए तो मैंने जो बोला है आई बटन पर जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए इसको भी फेंकना नहीं दोस्तों, कुछ भी चीज़ें हैं आपको फेंकना नहीं, कंपोस्ट में बिल्कुल आप डाल दिया करिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। अब देखिए अब इसको कैसे यूज करना है दोस्तों, इसको यूज करने के लिए फिर वही काम करना है कि ले लेना है 1 लीटर पानी। देखिए हम ले लिए 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में वही 10 ml आपको डालना है, आप नोट कर लीजिए। ये दोबारा हम डाल दिए, 10 ml हो गया, मतलब 1 टेबल स्पून। और इसके बाद दोस्तों इसको कम से कम लेना है आपको 20 ml तक, इसको आपको लेना है 20 ml 1 लीटर पानी में। देखिए हम ले लिए इसको 20 ml, और इसको यूज कर दीजिए दोस्तों। यूज करने का तरीका वही है जो मैंने पहले बताया है। उसके बाद जो विधि नंबर तीसरा आपको कौन सा यूज करना है दोस्तों, अगर आपके पास अगर ये नीम की पत्ती का अर्क बनाने का तरीका नहीं पता है, या आप चाहते हैं कि हम नहीं बनाएं, मेहनत ना करें, तो नीम ऑयल, आपको नीम ऑयल मिल जाए तो नीम ऑयल यूज कर लीजिए। हाँ नीम ऑयल कितना यूज करना है, 1 लीटर पानी दोस्तों लेना है, ये जानते हैं 10 ml, और नीम ऑयल लेना है 1 लीटर पानी में 5 ml, दोनों को मिलाइए दोस्तों। उसमें कुकिंग ऑयल मिक्स कर दीजिएगा, या स्टिकर मिक्स कर दीजिए, स्टिकर सब में मिक्स कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। और इसको यूज कर दीजिए, देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिलेगा दोस्तों। एक बात आपको बता दें कि जब भी यूज करिए, कोई भी जो विधि नंबर पहला, विधि नंबर दूसरा, और विधि नंबर जो तीसरा बता रहे हैं, कोई भी यूज करेंगे तो ध्यान रहे कि कभी कभी जो पत्ते के नीचे भी कीड़े रहते हैं, पत्ते को इस तरीके से ऊपर करिए और नीचे भी स्प्रे कर दीजिए अच्छे तरीके से, उसके बाद देखेंगे रिस्पांस आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। हाँ एक बार ध्यान यही देना है कि अगर ज़्यादा अटैक है कीड़ों का तो सप्ताह में इसको 2 बार कर दीजिए, उसका रिस्पांस आप देखिए। हाँ तीसरा आपको बताते हैं इससे और स्ट्रांग आपको कैसे बनाना है। तीसरा तरफ से स्ट्रांग बनाने के लिए आप नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बता रहे हैं हम। देखिए 10 ml इसको लेते हैं, देखिए 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में हम 10 ml ले लेते हैं इसको। देखिए 10 ml ये हो गया, और इसके बाद इसमें दूसरा जो नीम ऑयल है, नीम ऑयल हम डाल लेते हैं 5 ml। देखिए इसमें हम डाल लेते हैं नीम ऑयल 5 ml। दोस्तों आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ बहुत बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ, अगर इसको यूज करना जान गए तो आपको मार्केट से कोई भी इंसेक्ट और पेस्टिसाइड का कोई दवा लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए तीसरे नंबर पर हम इसमें क्या डाल रहे हैं, हल्दी का पाउडर, कितना यूज करना है, 5 ग्राम। दोस्तों 3 चीज़ इसमें हमने यूज कर दिया। अब उसके बाद चौथी इसमें आप यूज कर लीजिए कुकिंग ऑयल, और या दोस्तों कुकिंग ऑयल नहीं है तो स्टिकर हम यूज कर लेते हैं, 1 ml को यूज करना है। और उसके बाद इसको पौधे पर हम इसको छिड़काव कर देते हैं, इसका रिस्पांस दोस्तों आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन मिलता है,
बस आपको ध्यान वही देना है कि सुबह या शाम के समय इसका यूज करिए, बहुत ही आपको अच्छा इसका रिस्पांस मिलता है। दोस्तों इसी तरीके से आप बना के अपने पौधे पे यूज करिए, जितना भी सब्जी वाले पौधे लगा रखे हैं, फल वाले फूल वाले सभी पे इसको यूज करिए, बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिलता है। हाँ, आपको ध्यान रहे कि जो लहसुन का जो अर्क आप निकाल रहे हैं इसको स्टोर आपको नहीं करना है, जितना आपको यूज करना है उतना ही आप निकालिए और निकाल के इस्तेमाल कर लीजिए। और उसके बाद दोस्तों काम करना है कि आपको महीने में कम से कम 4 से 5 दफ़े इसको यूज करना है, उसके बाद जो कीड़े के देख रहे हैं कीड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे आपके पौधे पे या सब्जी वाले पौधे पे, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है आपको। दोस्तों हमें एक चीज़ और बता दें बोनस के रूप में, ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये जादुई पेस्टिसाइड है। अगर इसको दोस्तों अगर बनाते हैं तो ये भी, इसमें भी लहसुन है, इसमें भी लहसुन अदरक मिर्च है और इसमें भी दालचीनी, ये सब चीज़ मैंने डाल बना रखा और ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ये काम करता है। इसमें करना क्या है आपको, अगर इसको बनाना है तो आई बटन पे लिंक है, जाके देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों आपके पौधे पे काम करता है। इसका रिजल्ट हम इसमें ले रहे हैं फिलहाल में, बहुत अच्छा काम करता है, तो ज़रूर इसको भी आप जाके एक बार ट्राई कर लीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। देख रहे हैं फेसबुक पेज पर तो फेसबुक पेज को भी आप फॉलो करिए। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, धन्यवाद।